तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब ट्रैफिक तो 10-10 किलोमीटर तक, ट्रैफिक इतनी बुरी थी कि मतलब लोग वहाँ पे अपना गैस उतार के खाना बना रहे थे रोड पे, यूक्रेनियन लोग, बच्चे रो रहे थे, उनके पेरेंट्स उन्हें हाथ पकड़ के पैदल लेके जा रहे थे लगेज के साथ, बच्चे चिल्ला रहे थे, मतलब हमें देख के रोना आ गया था कि मतलब ये क्या सिचुएशन है। और हमें भी जितना दूर बस क्रॉस कर सकते थे हम लोग बस से लाया गया, और बाद में हमें पैदल चलना पड़ा 5 किलोमीटर कम से कम लगेज के साथ। इवैक्यूएशन भी हम लोग को लगा था कि सरकार तो कराएगी बट इतनी जल्दी कराएगी ये हमें आशा नहीं थी। काफ़ी जल्दी हम इवैक्यूएट हुए। हमें अगर मैं ट्रेन के अपने खुद के मतलब बुक करके फ्लाइट भी आता तो मैं 1-2 दिन बाद आता, बट काफ़ी जल्दी वहाँ से दिल्ली, दिल्ली से पटना, पटना से घर तक छोड़ के गए। अगर बॉम्ब ब्लास्ट होता था या जो भी होता था तो ये नहीं देखेंगे कि ये कौन से लोग हैं, उनका मोटो तो ये नहीं, बॉम्ब नहीं देखेगा कि ये कौन से लोग हैं या सिटीजन या स्टूडेंट्स हैं। रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है और भारत के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे फंसे हुए थे, उन्हीं में से एक छात्र जो हैं अनमोल प्रकाश नाम है और मशरक के रहने वाले हैं, वो अपने स्वदेश लौट चुके हैं। हम इनसे जानेंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है, छात्र किस हालात में हैं, क्योंकि हम यहाँ से बैठे बैठे देख रहे हैं कि कुछ छात्रों के साथ वहाँ पे ज्यादती की जा रही है और कुछ छात्र ऐसे बता रहे हैं कि वो बहुत सेफ हैं, बस उन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है। सरकार के द्वारा भी कई गाइडलाइन जारी की गई हैं जिसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी वैन यूक्रेन में भारतीय झंडा लगाता है तो उसे ना रूस की जो फोर्सेस हैं वो तंग करेंगी, ना यूक्रेन की फोर्सेस जो तंग करेंगी। बाकी हम जो भी बातें हैं वो अनमोल से ही जानेंगे। अनमोल, कैसा लग रहा है आपको अपने स्वदेश लौट के? काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने घर वापस आके, और काफ़ी मतलब मुश्किल थी वहाँ पे, काफ़ी पैनिक का सिचुएशन था, और साथ ही साथ अभी भी चिंता है क्योंकि मेरे अभी काफ़ी दोस्त, मेरा खुद एक रूममेट है जो कि अभी भी वहाँ पे स्टक है। अभी तो न्यूज़ आई है कि बस के द्वारा उसे रोमानिया से क्रॉस कराएंगे, बट कहीं ना कहीं उनके लिए चिंता है। हमारे पेरेंट्स तो खुश हैं, काफ़ी खुश हैं, ये लोग भी बड़े परेशान थे बट अब काफ़ी खुश हैं कि अब कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी खुश हैं वो। अच्छा, जब वहाँ पे अलर्ट जारी हुआ तब आपको क्या लगा था कि भारत सरकार जो है आपको इवैक्यूएट कर पाएगी? बिल्कुल, आशा तो हमें पूरी थी, इंडियन गवर्नमेंट पे शुरू से भरोसा है, और साथ ही साथ इंडियन एम्बेसी जो है कंटिन्यू हमें एडवाइजरी जारी कर रही थी कि पैनिक ना हो, और जो भी मतलब हमें सेफ्टी रूल्स थे उनको बोल रहे थे कि बस आप फॉलो करो, आगे का हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, तो भरोसा तो उन पर था ही, बट पेरेंट्स तो पैनिक कर रहे थे क्योंकि यहाँ की न्यूज़ चैनल्स में भी काफ़ी दिखाया जा रहा था कि वॉर है ऐसा टाइप का। तो हम वहाँ पे सेफ थे, किसी इलाके में सेफ बच्चे नहीं थे। मैं वहाँ पे मतलब काफ़ी जैसे ईस्टर्न पार्ट में काफ़ी अटैक हो रहे थे तो मैं वेस्टर्न पार्ट में था, तो वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा जो कि 1-2 दिन पहले वो हाई अलर्ट पे आया। अच्छा। तो ऐसा सिचुएशन था, लेकिन पेरेंट्स रो रहे थे, पेरेंट्स पैनिक हो रहे थे, मैं कितना भी इन्हें समझा रहा था, इन्हें लग रहा था कि नहीं वॉर की सिचुएशन है, तो और हम भी कभी कभी पैनिक हो जा रहे थे जब भी हमें पता चल रहा था कि अटैक होगा, क्योंकि लग रहा था साथ ही साथ कहीं हमारे खाने पीने पे भी ना रोक हो जाए, कहीं गैस की सप्लाई ना कट हो जाए, वाटर सप्लाई ना कट हो जाए। इंटरनेट को लेके काफ़ी ये था कि उन्होंने थोड़ी देर के लिए हमारे वहाँ का जो प्रिवात बैंक है बैंक हैक कर लिया था, तो लगा कि मतलब काफ़ी मतलब पैनिक सिचुएशन है, कुछ अब मतलब कंट्रोल में नहीं रहेगा। इवैक्यूएशन भी हम लोग को लगा था कि सरकार तो कराएगी बट इतनी जल्दी कराएगी ये हमें आशा नहीं थी। काफ़ी जल्दी हम इवैक्यूएट हुए। हमें अगर मैं ट्रेन के अपने खुद के मतलब बुक करके फ्लाइट भी आता तो मैं 1-2 दिन बाद आता, बट काफ़ी जल्दी वहाँ से दिल्ली, दिल्ली से पटना, पटना से घर तक छोड़ के गए वो। मतलब यूक्रेन से डायरेक्ट दिल्ली लाया गया आपको? बिल्कुल नहीं, यूक्रेन से हमें रोमानिया, यूक्रेन के उन्होंने एयरपोर्ट पे अटैक कर दिया। हाँ हाँ। तो वो तो चांस ही नहीं रहा वहाँ से निकलने का, एयरपोर्ट ब्लॉक हो गया, उन्होंने एयर स्पेस वहाँ का बंद कर दिया, तो ऑप्शन यही था कि 3 नेबर कंट्रीज थी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया, तो वहाँ से निकालने का वहाँ के एयरपोर्ट से। तो पोलैंड, रोमानिया से हमारी बात हुई, वहाँ पे नज़दीक पड़ता था, हमारे एम्बेसी वाले रोमानिया बॉर्डर पे थे और अंदर भी आ गए थे यूक्रेन में, वहाँ से हमें बस के द्वारा रोमानिया बॉर्डर क्रॉस कराया गया जो कि काफ़ी पैनिक सिचुएशन थी। अच्छा, मतलब कि यूक्रेन से आपको रोमानिया ले गया गया, तो बीच की जो स्थिति थी वो तो काफ़ी नाजुक होगी। बहुत, वही स्थिति काफ़ी नाजुक थी क्योंकि एक बार हम रोमानिया क्रॉस करके फिर रोमानिया में कोई दिक्कत नहीं था, तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब ट्रैफिक तो 10-10 किलोमीटर तक, ट्रैफिक इतनी बुरी थी कि मतलब लोग वहाँ पे अपना गैस उतार के खाना बना रहे थे रोड पे, यूक्रेनियन लोग, बच्चे रो रहे थे, उनके पेरेंट्स उन्हें हाथ पकड़ के पैदल लेके जा रहे थे लगेज के साथ, बच्चे चिल्ला रहे थे, मतलब हमें देख के रोना आ गया था कि मतलब ये क्या सिचुएशन है। और हमें भी जितना दूर बस क्रॉस कर सकते थे हम लोग बस से लाया गया, और बाद में हमें पैदल चलना पड़ा 5 किलोमीटर कम से कम लगेज के साथ,
सारे लड़के लड़कियां मतलब फिर आगे चल के वहाँ फिर एम्बेसी ने उन्होंने बस कराया और मतलब कैसे कैसे करके हमें बॉर्डर क्रॉस कराया गया। अच्छा, यूक्रेन की जो सेना थी वो भारतीय छात्रों के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रही थी क्या वहाँ पर? मेरे देख फिलहाल सोचने में तो ऐसा नहीं कर रही थी, वो उनकी ऊपर की वो लड़ाई है, ऐसा नहीं है कि वो, ना तो मेरे को लग रहा है वो सिटीजन को लेके कोई इशू है, उनका है कि वो अपना लाएंगे गवर्नमेंट बनाएंगे जाएंगे, उनका ऊपर का मैटर, सिटीजन को परेशान नहीं करना चाहते जहाँ तक मेरे को लगा। बट अब वही है कि अगर बॉम्ब ब्लास्ट होता था या जो भी होता था तो ये नहीं देखेंगे कि ये कौन से लोग हैं, उनका मोटो तो ये नहीं, बॉम्ब नहीं देखेगा कि ये कौन से लोग हैं या सिटीजन या स्टूडेंट्स हैं। इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की थी ना कि जो भी इंडियन फ्लैग अगर अपने गाड़ी पे लगाएगा तो उसको ना रूस की सेना परेशान करेगी ना यूक्रेन की सेना परेशान करेगी। जी ये बिल्कुल था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि मतलब उन्होंने जैसे बोला कि यू पेस्ट योर इंडियन फ्लैग ऑन एनी ऑफ द बसेज और एनी ऑफ द व्हीकल एंड नोबडी विल ट्रबल यू, उनको बोला कि आप मतलब, और हम निकले वैसे, हमें हमारे आगे यूक्रेनियन पुलिस की कार थी, पीछे हमारी यूक्रेनियन पुलिस की कार थी, बीच में हमारी बसेस थी, और हम उल्टा लेन में हमें निकाला गया क्योंकि सीधे वाले लेन में पूरी क्राउड थी और उल्टा लेन में हम कम से कम 10 किलोमीटर बस से मतलब अलग ही फीलिंग थी, लग रहा था कि मतलब हाँ इवैक्यूएट हो रहे हैं, सब देख रहे थे हताश होकर कि कौन लोग हैं जो निकाले जा रहे हैं, तो वहाँ हमें लगा कि हाँ इंडियन पावर क्या है। फिर वहाँ जाके मतलब हम इतने क्विकली निकले, अब टाइम तो लगेगा ही, रश है तो इतना तो रश लगेगा कि हाँ निकालने में भी, लेकिन जितना जल्दी हम इवैक्यूएट हुए मतलब हमें 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 विश्वास नहीं हो रहा था, हमें लग रहा था कि मतलब हमें इतना डिजर्व नहीं करते, इतना ट्रीटमेंट हमें मिल रहा था, इतना लग रहा था, इतनी फैसिलिटी सब इंडियन गवर्नमेंट की वजह से। बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट की वजह से। फिर वहाँ से तो दिल्ली आए लो तो हमारे लिए टिकट्स रेडी थी पटना के लिए। अच्छा, मैं दिल्ली में स्टे करने वाला था, मेरी दीदी है तो वहाँ स्टे करने वाले, लेकिन उन्होंने टिकट्स अवेलेबल करा दिए। अच्छा, मतलब आपको घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी पूरे भारत सरकार ने ली? बिल्कुल, बिहार सरकार ने। उसके बाद वहाँ पे कोई पॉलिटिकल मिनिस्टर थे, प्रोटोकॉल मिनिस्टर थे, वो पहले तो दिल्ली में ज्योतिराय सिंधिया मिले, उन्होंने वेलकम किया, वो बोले कि स्माइल करो, अब क्यों स्माइल नहीं कर रहे हो, तो उनसे हम मिले। फिर खाना वाना हमेशा, मतलब हमें भूख नहीं लगती थी फिर भी खाना आ जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी, हर जगह मतलब हमें वेलकम ही किया जाता था कि सब फोटोज़ ले रहे थे, आप ही लोग हैं जो आए हैं। फिर दिल्ली में तो हम लोग फिर स्प्लिट हो गए, सब दिल्ली से स्प्लिट हुए तो बाकी स्टेट में गए, फिर हम बिहार के लिए निकले, तो वहाँ स्पाइस जेट में हमारे एकदम सब कुछ मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट, फिर बैगेज चेक इन जो भी था सब वीआईपी ट्रीटमेंट, क्योंकि भीड़ वहाँ भी थी एयरपोर्ट पे थी, बट हमारे लिए 7 लोगों के लिए अलग से हर जगह था। अच्छा, और फिर वहाँ से निकले हम लोग, फिर वहाँ फ्लाइट हुई हमारी, फ्लाइट से यहाँ आए तो यहाँ उतरते ही मतलब काफ़ी बिहार में तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, यहाँ मीडिया का पूरा मतलब जमावड़ा लगा हुआ था। अच्छा, आप वहाँ पे किस ईयर में हैं अभी? सेकेंड ईयर में हूँ। सेकेंड ईयर। अभी कितने स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ फंसे हुए हैं? स्टूडेंट्स अभी मेरी यूनिवर्सिटी में तो लगभग 500 हैं, जो कि आज निकाल लिए जाएंगे। अच्छा, आज सुनने में आ रहा है। हाँ, उनसे कांटेक्ट हुआ था आपका? कांटेक्ट अभी बात हुई थी उनसे। अच्छा, तो बोल रहे हैं कि अभी तो निकाला जा रहा है बस में, फिलहाल जैसे भी होगा अपडेट दिया जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जब आपको निकाला जा रहा था तब कैसा फील आ रहा था आपको? बहुत अच्छा, हम तो खुश थे कि जैसे एक वीडियो आया था जिसमें जो सारे बच्चे थे वो भारत माता की जय नारे लगा रहे थे। जी, मैं भी उसी में था। अच्छा, उन्होंने मतलब उनका था कि हाँ मतलब सबको इस पे बड़ा प्राउड हो रहा था कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट कितना जल्दी रिएक्ट कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब काफ़ी अच्छा, जितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि बस में सारी फैसिलिटीज़ जो भी है मतलब सब कुछ प्रोवाइड करा के और इतना जल्दी हमें इवैक्यूएट कराया जा रहा है, तो इसको लेके सब प्राउड थे कि हाँ आज मोदी पावर दिखा, जो भी मोदी सरकार का था, लोग भले जो भी बोलें बट इंटरनेशनल लेवल पे तो मतलब हाँ दिखा कि हाँ वो कुछ छू भी नहीं सकता, बाल भी मका नहीं कर सकता, तो वो दिखा, वहाँ पावर दिखा बिल्कुल दिखा। अच्छा, एक चीज़ और, अभी जो आपकी पढ़ाई बची हुई है उसे आप मतलब कैसे अब पूरी करेंगे? वो पूरी हो जाएगी क्योंकि अभी ये वॉर ने कुछ एडवाइजरी दी है? हाँ, यूनिवर्सिटी तो बोल रही है, यूनिवर्सिटी को कोई ट्रबल नहीं है अभी। अच्छा, यूनिवर्सिटी वैसे भी डिग्री हमें प्रोवाइड कराएगी अगर हम अपना पूरा ईयर कंप्लीट करेंगे तो, और वो पढ़ाई पूरी कंप्लीट कराएगी। अगर वो देश पे अटैक भी होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यूक्रेन रसिया बन जाएगा, बट हमारी डिग्री तो मिलेगी, वो भी तो ऐसा नहीं है हम पैसे दे के पढ़ते हैं ना, वो भी तो उन्हें भी फ़ायदा है हमसे, हम तो ऐसा नहीं कि हम डिग्री उठा रहे हैं तो वो हम पे कोई एहसान कर रहे हैं, तो इस प्रकार का तो पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी, हमारी ऑनलाइन क्लास पिछले हफ्ते तक चली हैं, अब ये हाई अलर्ट हुआ है तो 2 हफ्तों के लिए क्लासेस बंद हुई हैं, फिर बोला गया कि इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस फिर कंटिन्यू होंगे। अच्छा, एट लास्ट व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर गवर्नमेंट? गवर्नमेंट तो मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, और काफ़ी मतलब बिहार सरकार हो गई, अपनी इंडियन गवर्नमेंट हो गई,
यही बोलूँगा कि हम मतलब एक अलग क्राइटेरिया से देखते हैं कि हाँ गवर्नमेंट ये है, गवर्नमेंट महंगाई बढ़ा रही है, गवर्नमेंट, मैं मानता हूँ ये सब सिचुएशन है, लोगों को प्रॉब्लम कहीं कहीं आती है सरकार की वजह से, लेकिन विदेश नीति बहुत अच्छी है और गवर्नमेंट ने मतलब जितने अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, जितना अच्छा इवैक्यूएशन हमारे लिए किया ना, मतलब हर जगह हमारी टॉप क्लास थी। हमारा एटलीस्ट क्रू मेंबर भी जो था ना फ्लाइट का, वो भी ऐसा एक्सपीरियंस क्रू मेंबर था जो कि लंदन जो तूफान आया था वहाँ पर उन्होंने इवैक्यूएट किया था, तो वैसे क्रू मेंबर थे और कोई कहीं दिक्कत नहीं हुई। मतलब हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मतलब इतने बड़े बड़े लोग, जैसे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए थे वेलकम करने, शाहनवाज हुसैन जी वेलकम करने आए थे, स्पेशली हमसे मिले, हमें बैठाया गया, खिलाया पिलाया गया, जो भी था, तो ये सब वीआईपी ट्रीटमेंट दे के मतलब हमें लग रहा था कि हम इतना डिजर्व नहीं करते। पहली बार लगा कि नहीं है, इंडिया है तो मतलब हाँ हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे इवैक्यूएशन अभी भी कंटिन्यू हुए जा रहे हैं, तो हमें नहीं लग रहा कि इंडियन स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत आएगी। साथ ही साथ यूक्रेन के लिए भी बुरा लग रहा है, यूक्रेन एक तरह से हमारा सेकंड होम बन गया था, तो उस पर जैसा अटैक हो रहा है तो वो भी जान के बुरा लग रहा है। बट हाँ, जैसा भी है देखते हैं आगे क्या होता है, लग तो रहा है जल्दी सुलट जाएगा। थैंक यू। अभी यहाँ पे अनमोल के कुछ दोस्त भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। उदय जी, कैसा लग रहा है आपका दोस्त वापस आ गया? मुझे तो कल पता चला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा बचपन का दोस्त अनमोल प्रकाश, हम लोग साथ पढ़े हुए हैं, और सुन के बहुत खुशी हुआ। और मुझे पता चला तो मैं आज आपके साथ इनके पास मिल रहा हूँ, बात भी हुआ और बहुत खुशी है। और जितने सारे दोस्त हैं उनके वो भी बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं कि भारत सरकार को कि वो वापस इन्हें सुरक्षित इनके घर पे पहुंचा दी। अच्छा, वो माँ हैं क्या? अच्छा, दादी हैं, आइए। अच्छा, अनमोल की दादी हैं यहाँ पे, हम लोग दादी से जानेंगे। दादी, और पोता आइल बरें, कैसा लगा तर हुआ? ओसन सा सुख कहियो ना मिलल हो, जैसन पोता हमारा आइल बरें आ लागल हमारा। जब हमारा दुआरा पर उतरल है तब मैं बुझा रही कुछ खूब गहिला कोनो चीज से हमरा मिल गए। बहुत मुश्किल से वजह से निकल गए, बहुत कठिन से आए गए हमार बाबू बबुआ, बहुत खुशी है इनकर माँ का भी हमारा भी। हाँ, अभी बहुत खुश बनी रहुआ? अब बहुत खुश बनी रहे के सब कट बच्चा निकल जाओ यूक्रेन से, सब कट बच्चा भगवान मोदी सरकार बिहार सरकार के धन्यवाद भा जे निकाल दे सब बच्चा के। हाँ, अनमोल की दादी हैं, देखिए इनको भी बहुत खुशी है। बाकी सौ बात की एक बात ये है कि जो वहाँ के छात्र हैं वो मोदी गवर्नमेंट के होने के वजह से डर नहीं रहे हैं, उन्हें ये एक अंदर से यकीन है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्हें निकाल लेगी। और ये कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है, जो हमारा देश है, इसके पावर को दिखाता है, जिस पे हम गर्व से कह सकते हैं भारत माता की जय और वंदे मातरम। मैं हूँ ऋषभ छपरा, अपडेट के लिए कैमरे के पीछे अमन खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।